हेलो दोस्तों, CSMI की ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको CSMI के फील्ड एग्जीक्यूटिव विजय के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अपनी मेहनत, निष्ठा और लगन से अपनी जिंदगी को बदल लिया और आज एक सफल ब्रांच मैनेजर के रूप में CSMI का एक बेहतरीन ब्रांच को चला रहे हैं। दोस्तों, कहानी उस वक्त की है जब विजय अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से विजय को अपनी पढ़ाई खत्म करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वो सोच में पड़ गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ बहुत दुखी रहती है। महंगाई के इस जमाने में हमारे दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। माँ की मदद कैसे करूं? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? विजय ऐसा सोच ही रहा था कि उसके मन में एक ख्याल आया। क्यों ना मैं एक नौकरी ढूंढ लूं? पढ़ाई ना सही, मुझे कुछ नया सीखने को तो मिलेगा और घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इस सोच के साथ विजय हफ्ते भर के अखबारों में नौकरी के विज्ञापन देखने लगा। उनमें से एक विज्ञापन CSMI का था, जिसने विजय को खूब आकर्षित किया। अरे वाह, सिलेक्ट होने पर अर्निंग सैलरी के साथ खाना और रहना भी मुफ्त। फटाफट बायो डेटा सबमिट कराता हूँ, क्या पता इंटरव्यू में ढंग से बात करने पर कंपनी मुझे सिलेक्ट ही कर ले। और जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। विजय सिलेक्ट हो गया और ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाया गया। ऑब्जर्वेशन डे की बात है, विजय कुछ घबराया हुआ था। न जाने ऑफिस के लोग कैसे होंगे, मुझे मन लगाकर यहाँ के नियमों को सीखना और समझना होगा। कोशिश करके सौंपे गए काम को अच्छी तरह से करना होगा, तभी सफलता कदम चूमेंगी। ओह सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे नहीं, लगता है तुम भी मेरे तरह ऑब्जर्वेशन के लिए आए हो, इसलिए घबराए हुए हो। हाँ, नहीं। डर किस बात की, ऑब्जर्वेशन ही तो है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? पहले ही दिन फेलर की बात मत करो दोस्त। अगर हम कंपनी के दिखाए गए तरीकों को अपना कर काम करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सोचो हम कहाँ होंगे, क्या क्या कर पाएंगे। सो तो है। बाय द वे, मेरा नाम विराम है, तुम्हारा? विजय। चलो अब अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग विजय एंड विराम। गुड मॉर्निंग सर। CSMI में आप दोनों का स्वागत है। हम यहाँ कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उन्हें जानने और समझने की कोशिश करना। आओ मेरे साथ चलो। रूल्स? ये कैसा ऑब्जर्वेशन है भाई? कुछ इंटरेस्टिंग भी तो हो सकता है, देखोगे नहीं? सब लोग एक एक करके मैनेजर को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। गुड मॉर्निंग सर। सब मिलकर क्लैपिंग एक्सरसाइज करने लगे। हॉल क्लैपिंग के आवाज से गूंज उठा। क्यों, मजा नहीं आ रहा? आगे देखते हैं। क्लैपिंग खत्म होते ही मैनेजर ने साइमन गेम शुरू किया। दोनों दोस्त गेम को समझने और खेलने लगे। खेल समाप्त होने पर सब मिलकर CSMI का एंथम गाने लगे। फिर सब अपने निर्धारित फील्ड वर्क के लिए निकल पड़े। फिर मैनेजर ने विजय और विराम को बुलाकर कहा, विजय और विराम, ये हमारे ग्रुप लीडर मिस्टर जीत शर्मा है। आप दोनों आज इनके साथ फील्ड में जाएंगे, इनके काम करने के तरीके को देखे और समझे। जीत, क्यों ना तुम विजय और विराम को समझा दो, एक अच्छा फील्ड एग्जीक्यूटिव किन चीजों को ध्यान में रखकर अपना काम करता है। जी सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं विजय और विराम को चलते चलते हर एक चीज की जानकारी दे दूंगा। गाइस, मैंने अपने बैग में कंपनी की प्रोडक्ट्स, डायरी और बिल बुक भर लिया है। हर एग्जीक्यूटिव फील्ड में जाने से पहले ये तैयारी कर लेता है। फील्ड ड्यूटी से आते ही मैं आप दोनों को एक छोटा सा टेस्ट दूंगा। अगर आपके आंसर सही हुए तो ब्रांच मैनेजर की ट्रेनिंग के लिए आप चुने जाओगे। इसीलिए ध्यान से देखिए मैं कस्टमर से कैसे बातचीत करता हूँ। यस सर। कुछ दूर चलने पर ग्रुप लीडर जीत बोले, हम अपने कस्टमर से मिलने वाले हैं। आपको बता दूं कि बातचीत के दौरान इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला ये कि कस्टमर के आंखों में आंखें डालकर ही बात करें। दूसरा, बातचीत सीमित रखें और सरल भाषा में ही समझाएं। तीसरा, कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट देकर उसके गुणों के बारे में बताएं। ये याद रखें कि आपको एक सेल्समैन की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह बातचीत करनी है। अपनी एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और एक के बाद एक कस्टमर को मिलते जाएं।
100 में से 10 लोग जरूर आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। चौथा जरूरी बात, प्रोडक्ट का एमआरपी पूछने पर कस्टमर को पहले प्रिंटेड प्राइस दिखाए, फिर उनको स्पेशल डिस्काउंट दे, ताकि कस्टमर को लगे कि उनको मुनाफे में अच्छी चीज मिल रही है। अगर आपको लगे कि कस्टमर को प्रोडक्ट तो पसंद है लेकिन खरीदने में हिचकिचा रहा है, तो उनके घर से जल्दी निकलने की तैयारी करें, ताकि कस्टमर को ये लगे कि उनके हाथ से कुछ अच्छा और फायदेमंद प्रोडक्ट छूट रहा है। सेल होने के बाद कस्टमर का नाम, पता और फोन नंबर अपने डायरी में जरूर भर ले और ऑफिस में दाखिल करें। इससे आपको ही फायदा होगा। फोन पर आप कस्टमर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की विधि, प्रोडक्ट फीडबैक, प्रोडक्ट रीऑर्डर या नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएंगे। आखिरी ध्यान देने वाली बात, अगर लगे कि कस्टमर को और भी दूसरा कुछ दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि यदि कोई फील्ड एग्जीक्यूटिव एक दिन में 6 प्रोडक्ट सेल करता है तो कंपनी उसे हाई रोल और 8 प्रोडक्ट सेल करने पर लीडर को हाई रोल देता है। वैसे ही 10 प्रोडक्ट सेल के लिए RTB, 12 के लिए KTB, 14 प्रोडक्ट सेल पर इम्पैक्ट, 16 प्रोडक्ट सेल पर एक्सेलेंट और 20 प्रोडक्ट सेल होने पर कंपनी BTB ऑफर करेगी। सर, क्या ये सारे टारगेट एक ही दिन में हासिल करने हैं? अरे नहीं, ज़्यादा टारगेट्स हासिल करने के लिए कंपनी आपको 30 से 45 दिन देता है। वैसे हर फील्ड एग्जीक्यूटिव को मैं इस टाइम पीरियड में 15 से 20 गोल्स हासिल करने का सलाह दूंगा। ऐसे करने से आपको प्रमोशन जल्दी दिया जाएगा। अब मैं कस्टमर से कैसे बातचीत करता हूँ वो देखो। इतना कहकर ग्रुप लीडर अपना पहला कस्टमर से मिला और वो सब कुछ किया जिनके बारे में उन्होंने विजय और विराम को कहा था। ये देखकर विराम बोला, कस्टमर अच्छा था इसलिए 2-4 प्रोडक्ट ले लिया। मुझे नहीं लगता ये हर जगह होने वाला है। पर तुमने देखा नहीं, सर ने बिना टाइम खर्च किए झटपट कैसे कस्टमर को कन्विंस करके प्रोडक्ट सेल कर दिया। इतना भी हैरान मत हो, दूसरी जगह देखते हैं। पर दूसरा क्या, हर जगह जीत शर्मा ने कुछ ना कुछ सेल किया। जब एक दो जगह पर कस्टमर नहीं मिले तो विराम बोल उठा, ये क्या सर, कस्टमर तो है ही नहीं, बेकार इतना घूम रहे हैं। वैसे भी 50 लोग तो मिल ही चुके होंगे, क्या और घूमना जरूरी है? अरे हमें तो दिन में 300 लोगों से मिलना चाहिए, पर क्योंकि तुम थक चुके हो, चलो इस होटल में थोड़ी चाय पी लेते हैं, फिर तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये सच है कि पिछले 2 जगह पर हमें कस्टमर नहीं मिले, पर ये तो हर जगह होता है। मैं अपना फ़ोन नंबर छोड़ आया हूँ, कस्टमर से दूसरा दिन आराम से मिल लूँगा। पर अब दूसरी ओर देखो, आज मैंने 30 जगहों पर 20 प्रोडक्ट सेल किया है, इससे मेरे टारगेट्स जल्दी पूरे होंगे। वो कैसे सर? बताता हूँ, चलो पहले यहाँ से बाहर निकल कर पास वाले पार्क में चलते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आज का सेल्स देखो, एक त्रिफला का MRP है ₹395। मैंने उससे कस्टमर को ₹300 में सेल किया, ₹300 में से ₹220 मुझे ऑफिस में जमा करना है, बाकी के ₹80 मेरे अपने हुए। वैसे आज मैंने एक नहीं 6 त्रिफला सेल किया है। ऑफिस में जमा करने के बाद मेरे पास ₹480 बचते हैं, जो कि मुझे मुनाफा हुआ। उसी तरह प्रोटोकिट प्रोटीन पाउडर का दाम ₹395 है, मैंने 3 सेल किया, वो भी हर एक बॉटल ₹350 में। ऑफिस में ₹250 हर बॉटल के लिए रखा, तो मेरे 3 बॉटल से बचा ₹300। फिर था नोनी जूस, इसका MRP था ₹595, मैंने हर बॉटल ₹450 में सेल किया। ऑफिस में मुझे ₹300 देने हैं, सो ₹150 मेरे हुए, तो 5 बॉटल का ₹750 मिले। इसी तरह 3 भीम शक्ति के बॉटल से मुझे ₹300 लाभ हुआ, और हेपालिव भी तो था जिससे मुझे ₹240 मुनाफा हुआ। तो अब देखते हैं कि कुल मिलाकर मेरे आज के टोटल अर्निंग्स कितने हुए। 6 त्रिफला ₹480, 3 प्रोटोकिड ₹300, 5 नोनी जूस ₹750, 3 हेपालिव ₹240, 3 भीम शक्ति ₹300। टोटल करो तो दिन भर का मेरा अर्निंग हुआ ₹2070। यहाँ से मैं चाय नाश्ता और ट्रैवल का पैसा माइनस करूँगा, जो करीब ₹300 या ₹400 होगा। मान लो ₹1000 हुए, फिर भी मेरे पास ₹1070 बच जाते हैं। राउंड फिगर करके
एक दिन में 1,000 रुपीज की कमाई पकड़ लेता हूँ, तो 30 दिन में मेरे अर्निंग्स 30,000 रुपीज हुए। यही नहीं, कंपनी में प्रोडक्ट सेल के अगेंस्ट जमा किए गए पैसों से भी मुझे हर एक प्रोडक्ट के लिए इंसेंटिव मिलेगा, जो कंपनी में अलग से जमा होता जाएगा। आज का प्रोडक्ट सेल्स के लिए कंपनी मेरे लिए 1,000 रुपीज जमा करेगी। अगर ऐसा ही सेल करता रहूं, तो 30 दिन में गोल्स पूरे करने के लिए कंपनी मुझे 30,000 रुपीज देगी। अब इन दोनों पैसों को जोड़ लूँ तो मैं हर महीने आराम से ₹60,000 कमा सकता हूँ। वाओ सर, इतना पैसा! इतने पैसे से तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा, मेरी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। सर बुरा मत मानिए, पर ये जगह तो आपकी जान पहचान की है, इसलिए सेल्स आराम से हुआ, हम कहाँ ऐसे सेल कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे, मेरे बताए गए तरीकों को अपनाओ, आराम से सेल कर लोगे। और अगर तुमको लगता है कि एरिया मेरा जान पहचान का है जिसके कारण मैं सेल कर पाया, तो कल तुम्हारे इलाकों में चलो, मैं जानता हूँ वहाँ भी मेरी सेल अच्छी होगी। दूसरा दिन रीट्रेन डे था और सच में ग्रुप लीडर ने पहले दिन से ज्यादा सेल करके दिखाया। विजय और विराम दोनों हैरान रह गए। विजय तो उसी समय फील्ड में काम करना चाह रहा था, तब ग्रुप लीडर बोला, इन दो दिनों में आप दोनों ने कस्टमर को कैसे सरल भाषा में आंखों में आंखें डालकर प्रोडक्ट को कम समय में सेल करना है वो सीखा। हमने जबरदस्ती नहीं की और उचित MRP में भी सेल किया। इससे हमारे कस्टमर भी खुश हुए और प्रोडक्ट्स भी बिक गए। ऐसा करने से आप दोनों फील्ड वर्क में सफल होंगे और बेहतरीन फील्ड एग्जीक्यूटिव बनेंगे। चलो अब ऑफिस लौट चलते हैं। ऑफिस पहुंचने पर विजय और विराम को CSMI के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। फिर धीरे धीरे टेस्ट देने की घड़ी आ पहुंची। दोनों ने टेस्ट दिया। कंपनी इतना कुछ कर रही है, मुझे भी इसमें शामिल होना है। विराम, मैं यही आशा करता हूँ कि हम टेस्ट में पास हो जाए और कंपनी हमें फील्ड एग्जीक्यूटिव बना ले। दो दिन घूमने क्या लगे, तुमने तो सिर्फ यहीं पर काम करने की ठान ली है। क्यों नहीं, न्यू जॉइनी को कहाँ इतनी जल्दी इतनी अच्छी अर्निंग सैलरी मिलती है। रिजल्ट की घड़ी आ पहुंची थी। विजय और विराम, आप दोनों को एक ही ट्रेनिंग दिया गया था। अब तक आपको पता लग गया होगा कि एक अच्छा फील्ड एग्जीक्यूटिव वही होता है जो पूरे जोश के साथ अपना सौंपा गया काम पूरा करता है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, समय पर रहता है और कभी सेल करने से कतराता नहीं है। विराम, आपको ये सारी चीजें सीखने में थोड़ा और वक्त लगेगा, इसलिए आपको हम दोबारा ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। और विजय, कल से आपका एप्लीकेशन डे शुरू होगा। आशा करता हूँ आप एक होनहार फील्ड एग्जीक्यूटिव बनेंगे और CSMI का नाम ऊंचा करेंगे। तो दोस्तों, ये था विजय की फील्ड एग्जीक्यूटिव बनने की कहानी। अगले वीडियो में देखिए वो कैसे एक ग्रुप लीडर बनकर दूसरे फील्ड एग्जीक्यूटिव्स को गाइड करता है।